कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। गांधी लोगों ने देखी है, लेकिन एक पहली सरकार देखी होगी जो हर वादे को भूल गई हो और इतनी परेशानी, तकलीफ, साजिश और षड्यंत्र कोई पार्टी नहीं करती जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बड़ी अजीब है, ना हकीम पे दवाई है उसकी, ना किसी वैद पे दवाई है, और जितने अस्पताल बने उस पे भी दवाई नहीं है। परिवार दूर हो तो कहते परिवार में झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलते हैं। और ये तकलीफ भाजपा के लोगों को है और रहेगी, क्योंकि बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है। ये जो समाजवादी रास्ता नेताजी ने दिखाया है, उसी रास्ते पे हम लोगों को चल करके समाज और देश की दिशा बदलनी है। ये तमाम समस्याएं जो दिखाई दे रही हैं, इनका अगर कोई रास्ता है तो वही रास्ता है जो नेताजी ने रास्ता दिखाया। जो नेताजी का रास्ता था राजनीतिक रास्ता, जो नेताजी ने सामाजिक रास्ता दिखाया और जिस लड़ाई को लड़ने का काम किया, उसी रास्ते से खुशहाली आ सकती है। ये तमाम दावे करते हैं विकास का, ये विकास का दावा बीजेपी न करे। अपने भ्रष्टाचार का दावा तो कर सकते हैं, सड़कों पे गड्ढे का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन जितना भी विकास अगर हुआ है तो वो समाजवादियों ने यहां का विकास करके दिखाया है।